जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं सभी अच्छे होंगे। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं कि बीएड में डायरेक्ट एडमिशन के बारे में, कि आपको बीएड में डायरेक्ट एडमिशन लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। आप जो बीएड करते हैं तो उसकी डिग्री की वैल्यू क्या होती है, यानी कि जो आप काउंसलिंग के थ्रू बीएड करते हैं उसकी वैल्यू, और जो आपने जो डायरेक्ट एडमिशन लिया है उसकी वैल्यू कितनी होती है, यानी कि जो आप माइनॉरिटी की सीट पर एडमिशन लेते हैं। पूरी डिटेल में मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट एक्सप्लेन करने वाला हूं। और यदि आप माइनॉरिटी से आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो कौन कौन से कॉलेज यूनिवर्सिटी है जो आपको माइनॉरिटी से एडमिशन देते हैं, तो वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा यदि आप भी जानना चाहते हैं बीएड डायरेक्ट एडमिशन के बारे में। वीडियो बहुत खास होने वाली है, तो चलिए साथियों बिना किसी देरी के करते हैं आज की वीडियो को शुरू। साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे कहूंगा, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि एजुकेशन जुड़ी हुई कोई भी अपडेट होती है सबसे पहले मैं आप तक पहुंचाता हूं इस चैनल के माध्यम से। तो साथियों, बीएड यानी कि जो हमारा बैचलर इन एजुकेशन है, इसकी जो डिमांड है पिछले 2 से 3 साल में काफी बढ़ गई है, क्योंकि जो टीचर की वैकेंसी है वो भी बहुत ज्यादा आ रही है और आने वाले टाइम में यानी कि 2 से 4 साल में भी वैकेंसी बहुत ज्यादा आने वाली है। तो इसलिए अब जो बीएड का क्रेज है एक बार फिर से बढ़ गया है। तो अब बीएड के लिए जो अब बच्चे, कुछ बच्चे क्या है, जैसे हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में 2.5 लाख सीट के लिए एंट्रेंस एग्जाम होता है, तो उसमें इस बार 5 लाख बच्चों ने, 5 लाख से अधिक बच्चों ने इस बार एंट्रेंस एग्जाम फॉर्म फिल किया था। अब कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बच्चे एंट्रेंस एग्जाम फॉर्म फिल नहीं कर पाए थे लेकिन वो बीएड करना चाहते हैं, तो अब वो क्या डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं। तो साथियों, आज हम स्पेशली बात करने वाले हैं जैसे हमारा सीसीएस यूनिवर्सिटी है, सीसीएस यूनिवर्सिटी के बारे में। तो सीसीएस यूनिवर्सिटी में जो हमारे एडमिशन है काउंसलिंग के थ्रू वो तो होते ही है, अब उसके बाद में आप डायरेक्ट एडमिशन यदि लेना चाहते हैं, यानी कि जो आप डायरेक्ट एडमिशन लेना चाहते हैं सीसीएस यूनिवर्सिटी में, तो ऐसा नहीं है कि जिन कॉलेज में बीएड है आप वहां पर जाकर डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं। वहां पर आप तभी ले सकते हैं जब आपने अपना एंट्रेंस एग्जाम दिया हुआ हो, यानी कि काउंसलिंग के थ्रू। अब यदि कुछ कॉलेज ऐसे हैं सीसीएच यूनिवर्सिटी में जो माइनॉरिटी के कॉलेज हैं, यानी कि उनमें आप डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन वो बहुत लिमिटेड कॉलेज हैं, बहुत ही कम कॉलेज हैं। अब उनमें भी जो सीट है वो बहुत कम सीट है, तो उसमें यदि आपको डायरेक्ट एडमिशन लेना है तो उसके लिए सीसीएच यूनिवर्सिटी अपने रजिस्ट्रेशन ओपन करती है, उसके लिए भी रजिस्ट्रेशन होता है। जब आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा उसके बाद में फिर आपका एडमिशन उस कॉलेज में होता है, तो माइनॉरिटी पर आप एडमिशन ले सकते हैं। अब बात करेंगे कि इसकी वैल्यू होती है या नहीं होती है और एडमिशन किस तरीके से लेना है, लेकिन उससे पहले एक इन्फॉर्मेशन मुझे आपके साथ शेयर करनी थी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक लिंक दिया हुआ है सक्षम स्कॉलरशिप का, तो जो सक्षम एजुकेशन फाउंडेशन है यानी कि सक्षम एजुकेशन एंड चैरिटेबल ट्रस्ट, वो हर साल लाखों बच्चों को स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती है, तो आप भी अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं सक्षम स्कॉलरशिप पर, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, किसी भी टाइप का कोई शुल्क नहीं है, आप भी अपनी स्कॉलरशिप ले सकते हैं। ये जो स्कॉलरशिप होगी ये गवर्नमेंट से अलग होगी और इसमें कुछ आपको ज्यादा डिटेल भी फिल नहीं करनी है, तो आप अपना स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं साथियों की जो आप बीएड करते हैं, डायरेक्ट एडमिशन लेते हैं बीएड में, तो उसकी वैल्यू होती है या नहीं होती है। तो साथियों, यदि आप डायरेक्ट एडमिशन लेते हैं किसी भी माइनॉरिटी के कॉलेज में जाके और एक काउंसलिंग के थ्रू बीएड करता है, तो दोनों की वैल्यू जो है हमेशा बराबर होती है। कहीं भी आपकी डिग्री पर यह लिखा हुआ नहीं होता कि आपने रेगुलर करी है और उन्होंने आपका माइनॉरिटी के थ्रू करी है। बीएड होती तो आपकी वो दोनों ही रेगुलर है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपका जो काउंसलिंग के थ्रू करी है या फिर आपने डायरेक्ट एडमिशन लिया है तो दोनों में अंतर है, ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल सेम है। एग्जाम वगैरह सब सारी चीजें बिल्कुल सेम होती हैं, किसी भी टाइप का कोई डिफरेंस नहीं होता है, आपकी जो वैल्यू है वो 100% होती है। तो एडमिशन का प्रोसीजर मैंने बता दिया है आपको कि आपका जो एडमिशन है बीएड में डायरेक्ट एडमिशन के लिए, आपको जो माइनॉरिटी के कॉलेज हैं उसी में आपको एडमिशन मिल सकता है, जिनमें माइनॉरिटी की सीट नहीं होती है उसमें आप डायरेक्ट एडमिशन नहीं ले सकते हैं, ये बिल्कुल आपको क्लियर है। अब यदि आप भी माइनॉरिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं, मैं आपको कॉलेज सजेस्ट कर सकता हूं कि आप कहां पर एडमिशन ले सकते हैं। तो साथियों, ऑलमोस्ट मैंने सब सारी चीजें आपको एक्सप्लेन कर दी हैं डायरेक्ट एडमिशन के बारे में। यदि आपका अभी भी कोई डाउट या क्वेश्चन रह गया है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसका जितने जल्द से जल्द होगा उस आंसर या उस पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो चलिए साथियों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।